शहर की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घरों से बाहर नहीं आ रहे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, स्कूल के बच्चे यहाँ जो माल मिले वो नहीं जा रहे, नीचे भी नहीं जा रहे, सब के सब अंदर पाबंद है, अंदर पाबंद है सर। हमारे बच्चों की याद वे करो, अस बच्चों का बंदोबस्त करो, अस ना जी सकते। ये मसला आज 3 दिन हो गए, परसों शाम को हुआ था। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वहीं था घर में, थोड़ा 2-3 कदम के फैसले पे घास कटाई कर रहा था वहीं पे। तो तब तक बच्चा, 2 बच्चे आ रहे थे इकट्ठे मेरे मेरे पास आ रहे थे, तो रास्ते में अचानक ऐसे मसला हुए, मकान के 2-3 कदम के फैसले पे हुआ ये मसला। शाम के 6:40 का टाइम था, चार अटैक हो गए, 5-6 अटैक हो गए, और जो ये 4 दिन में 2 अटैक हो गए, एक जबरदार में हुआ, एक बच्ची को उठाया उसने, एक परसों शाम को घर के सामने से, बिल्कुल घर के सामने से इसने उठाया, रिपोर्ट ने उठाया। जब हम उधर पहुंचे तब तक 2 घंटे गुजर गए थे, अंधेरा बहुत हो चुका था, पुलिस भी थी, फिर हमने निकाला वो, तब तक उसकी खत्म करके चला गया। इसने कम से कम 4 जगह पे अटैक कर दिया, 3 बच्चों की तो जान ले गया, एक बच्चे को तो भी छोड़ दिया उसने। हाँ, तो भजामा में अटैक किया और छोला कलसा में अटैक किया और धनी सहीदा में अटैक किया, लगातार इसी इलाके में अटैक कर दिया इसने। हर दिन कोई ना किसी न किसी दिन, हर दिन दिखता है रिपोर्ट, हर दिन दिखता है। रात को हमारे इधर ही था, किसी बंदे ने देखा, फिर वो भागा, तो हाई स्कूल गए। सबसे बड़ा मसला जो है हमारे हाई स्कूल में बच्चे हैं, वहाँ पे हर दिन दिखता है, हो सकता है वो उधर ही छुपा रहे, उसको अगर वाइल्ड लाइफ वाले वहाँ पे रहेंगे या वहाँ पे वो अपना वो लगाएंगे। तो आज सुबह भी एक गाँव खाने पे उसने अटैक किया, धनी शहीदा में नजदीक में, तो वाइल्ड लाइफ वाले हैं जी। गांव की बात है, गांव में अब बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ऐसे भी बाहर निकलते हैं, गांव है, कान पे भी जाना पड़ता है, किसी के लिए घर के दूसरे घर में भी जाना पड़ता है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल जाते हैं। हमारे बच्चे ये सीधा, आज 3-4 बच्चों की मौत हो गई, हमारे बच्चों का ये मौत का शिकार बन गया है सामने, इसने ये खून पी लिया इसने इंसान का, ये हर 2 दिन के बाद अटैक कर देता है, 4 दिन के बाद अटैक करता है। तब तक मैं, जब मेरे को बड़े लड़के ने आवाज़ दी कि उसके हाथ से ले गए खींच के उसको, छोटे वाले भाई को, तो वो मेरे पास आया, तब तक मेरे आने तक अंधेरा पड़ गया था। तो फिर मैंने ढूंढा अंधेरे में, लाइट वाइट का सिस्टम वहाँ नहीं था कुछ भी, ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। फिर यहाँ हमारे धनी से जैसे अपने इस मोहल्ले के लोग, इन्होंने जाके वहाँ मेरे बच्चे की डेड बॉडी ढूंढी और फिर साथ लेके आए गाँव में। यहाँ पुलिस भी गई थी आधे रास्ते तक, पुलिस तो महकमे के कोई बंदे भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए टाइम से, वाइल्ड लाइफ नहीं पहुँच पाई, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम नहीं पहुँच पाई टाइम पे। पुलिस आई थी, पुलिस आई थी लेकिन वाइल्ड लाइफ के बंदे पहुँचे, मेरे ख्याल में उस वक्त कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन वाइल्ड लाइफ के बंदे वहाँ पे पहुँच गए थे, लेट पहुँचे था, पहुँचे इधर भी पहुंचे थे डेड बॉडी पे भी, और वहाँ पे भी एट अ टाइम पे पहुंच गए थे। तो इतना होश नहीं था मेरे को, लेकिन पता चलता कि वाइल्ड लाइफ के वहाँ पे पहुंचे थे, पुलिस के भी पहुंचे थे। लड़के को 1 मिनट लगा उड़ा के ले गया, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, तो ये अचानक से हो रहे हैं अटैक। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुराना शेर भी है, जहाँ हम रहते बहुत पुराना शेर है, लेकिन वो शेर किसी के साथ छेड़ता नहीं था। ये जो आजकल के शेर है ये तो एकदम ख़त्म कर देते हैं वहीं पे, और ये शाम के टाइम पे भी अटैक करता है, सुबह के टाइम भी। जी सर, क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट से? मेरा सर नाम अब्दुल कयूम खान है, मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हूँ, ब्लॉक ऑफिसर कंट्रोल रूम बारामूला।
सर कब ये आपके नोट्स में आया कि ऐसे रिपोर्ट अटैक हुआ वहाँ पर? कल 22 तारीख शाम को जैसा हमको नोट्स में आया हम पहुँच गए यहाँ, हमारा वाजब टीम पूरी पहुँच गई यहाँ मौके पर ऊपर। तो उसके बाद तब तक इस लाश को उन्होंने उठाया था, हम भी इनके साथ मिल गए, वो नीचे तक चले गए, बाद उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके बाद उसको दफनाया गया। तब से हमारी टीम इधर लगी, हम वैसे तो इस आज से पहले 10 दिन के लगे हैं, तो जबरदारा में एक हो गया था ना, एक वाका हो गया था, हम तब से इधर ही हैं। तो सारी बदकस्मती से उसके साथ ही दूसरा वाका हो गया 22 तारीख को, तो हमारी टीम तो लगी है यहाँ पर मौके पर। अलबत्ता ये जो इलाका है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉरेस्ट वालों का है, लेकिन उनका कोई नहीं है यहाँ। इसका क्या पता है कहाँ से आ जाएगा ये, और यहाँ पे भी घूम रहे हैं, हर इलाके में भी घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, इसके इसको फौज को आदेश दिया जाए, फौज इसको ख़त्म करेगा। बाकी ये डिपार्टमेंट पुलिस कर सकता है, और उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ वाले, इन्होंने तो बहुत हेल्प किया, वाइल्ड लाइफ तो घूम रहे हैं, लेकिन ये आदेश फौज को दिया जाए, क्योंकि फौज इसको काबू कर सकती है, फौज इसका टारगेट बना सकती है। बाकी वाइल्ड लाइफ ने भी बहुत कोशिश की, वाइल्ड लाइफ ने भी एक शेर मारा इधर, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरे तो आज हो गया, कल किसी दूसरे के बच्चे की जान जा सकती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, शेर को ख़त्म किया जाए। देखिए सर, पहले बात ये बात है कि हम इनके घरों पर कब्जा करके बैठ गए हैं ऊपर, पहली बात तो यही है। तो जंगलों में थोड़ी कमी भी हो गई है इनकी रहन सहन की जगहों में, तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। जो इनमें से ज़्यादा एज में आता है, बूढ़ा हो जाता है, वो उसको शिकार नहीं मिलता है, बाकी शिकार फिर वो बच्चों को शिकार करता है। बच्चा यहाँ पे था और उसका फादर वहाँ अंदर जा रहा था, यहाँ से बच्चा एकदम शेर ने उठाया और इस तरह वो भाग निकला। यहाँ के लोगों ने हल्ला किया, हल्ला करने के बाद सब लोग, लाइट तो उस टाइम नहीं थी किसी के पास, अब हल्ला किया, किसने बोला इधर गया, किसने बोला इधर बोला, तो लोग ढूंढने लगे और नीचे वाले लोग भी आ गए, ऊपर से भी लोग आ गए, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। उसके बाद डेड बॉडी जो थी वो थोड़ा आगे जाके, यहाँ ही थोड़ा आगे जाके वो मिल गई। कि अपने बच्चों का तहफ़ करें, अपने बगैर बच्चों को बाहर न छोड़ें, जंगल की तरफ बच्चों को न रागब करें, उधर जाने न दें, और मेहरबानी करके अपनी ये मक्खियाँ वक्खियाँ काट के कोशिश करें नीचे जाने के लिए।